वेलकम एवरीवन। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 को। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में बच्चों हम इस पूरी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में एक्स की वैल्यू -1 के अकॉर्डिंग और थर्ड पार्ट में एक्स की वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 5x-4x² + 3, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जहां जहां एक्स है वहां आपको जीरो पुट करना है, 5 × 0 - 4 × 0² + 3। तो देखिए यहां पे 5 × 0 जीरो होगा, -4 × 0² जीरो होगा, +3। सो द आंसर विल बी 3। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा वो 3 होगा। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर 2। अगर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करें तो हमें ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है 5x-4x² + 3, इसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां एक्स है वहां हमें -1 पुट करना है। 5x का मतलब होता है 5 × x, यानी 5 × -1 - 4। यहां पे क्या आएगा, x का स्क्वायर यानी -1² + 3। अब जब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 5 × -1 विल बी -5। -1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 होता है, -4 × -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 3। दिस विल बी -5 - 4 + 3। अब -5 और -4 होंगे -9, +3 होगा, द रिजल्ट विल बी -6। जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी -6, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा, इसी पॉलिनोमियल के में वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो द पॉलिनोमियल इज 5x-4x² + 3। वी हैव टू फाइंड वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो जहां भी एक्स है वहां आप 2 रख दीजिए, 5 × 2 - 4 × 2² + 3। दिस विल बी इक्वल टू 5 × 2 = 10 - 4 × 2² = 4 + 3। दिस विल बी इक्वल टू 10 - 16 + 3। 10 - 16 विल बी -6, -6 + 3 विल बी -3। सो द आंसर टू पार्ट नंबर 3 विल बी -3। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है, देखिए ये जो फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसकी वैल्यू निकालनी है हमें P0 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये एक्सरसाइज ही सिंपल है मैं तो कहूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में PY की वैल्यू दे रखी है, PY इज इक्वल टू y² - y + 1। तो P0 का मतलब पुट y इज इक्वल टू 0। P0 का मतलब देखिए ये जो इक्वेशन है ये PY है। अगर मैं P0 कहूं तो P0 का मतलब होगा कि गिवन इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो 0² - 0 + 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। तो P0 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 1। अब हम बात करते हैं P1 की। देखिए इसमें तीन वैल्यूज पूछी हैं, एक तो P0 की वैल्यू पूछी है जो हमने निकाल दी, P1 की वैल्यू पूछी है जो हम अब निकालेंगे। P1 की वैल्यू क्या होगी, जहां जहां y है वहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, 1² - 1 + 1, दिस विल बी इक्वल टू 1² - 1 - 1 + 1। -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट होंगे, द आंसर विल बी अगेन इक्वल टू 1। तो P1 की वैल्यू आई है 1। नाउ मूविंग ऑन टू P2। अब हमें P2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूछा है, P2 भी पूछा है हमसे। तो हर एक पार्ट में, जैसे हमने पार्ट 1 में P0 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, P1 की हम निकाल रहे हैं, P2 की हम निकाल रहे हैं, उसी तरीके से सेकेंड पार्ट में भी करना पड़ेगा, इन द सेम मैनर थर्ड पार्ट में भी करना पड़ेगा और पार्ट नंबर 4 में भी करना पड़ेगा। तो P2 की वैल्यू हम निकाल रहे थे यहां पे, P2 की वैल्यू देखिए क्या है, 2² जहां जहां y है वहां 2 पुट कर दीजिए, 2² - 2 + 1, दिस विल बी इक्वल टू 2² - 4 - 2 + 1। 4 - 2 = 2 + 1 = 3। तो P2 की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। यहां पे आप सेपरेटली आंसर में ये तीनों वैल्यूज मेंशन कर दीजिएगा, P0 की वैल्यू 1, P1 की वैल्यू 1 और P2 की वैल्यू 3। मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है PT, दिस इज PT इज इक्वल टू 2 + t + 2
टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये पॉलिनोमियल गिवन है। तो इस पे हम पी जीरो की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले पी जीरो कितना होगा देखिए, पी जीरो विल बी इक्वल टू टू प्लस टी, यानी टू प्लस जीरो प्लस टू टी स्क्वायर यानी टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी जीरो का क्यूब। दिस विल बी इक्वल टू टू प्लस जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, द आंसर विल बी टू। तो पी जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। अभी इस इक्वेशन में अगर मैं पी वन की वैल्यू निकालूंगा तो जहां जहां टी है वहां वहां आपको वन पुट कर देना है। तो टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। नाउ दिस विल बी इक्वल टू टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, ये आया आपका टू प्लस वन इज थ्री, थ्री प्लस टू इज फाइव, फाइव माइनस वन इज फोर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारी फोर वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट नंबर थ्री की, दैट इज अब क्या करना है पी टू की, पी टू की वैल्यू निकालनी है इसी पार्ट में स्टूडेंट्स। तो पी टू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए जहां जहां टी है वहां वहां टू पुट कर दीजिए। दैट विल बी इक्वल टू टू प्लस टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, टू प्लस टू टी स्क्वायर यानी टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पे माइनस है, माइनस टी क्यूब यानी टू का क्यूब। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं दैट विल बी इक्वल टू टू प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर फोर इंटू टू एट माइनस टू का क्यूब इज एट। तो एट और एट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर विल बी फोर। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर कितना आएगा हमारा, फोर। तो पहले वाले का पी जीरो का जो वैल्यू है वो हमारे पास आया है टू, जो पी वन का वैल्यू है वो हमारे पास आया है फोर, और लास्ट में जो हमने आंसर निकाला है पी टू का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फोर। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारा कितना आया है, फोर ही आया है। ठीक है, तो हमने अभी दो पार्ट सोल्व कर लिए हैं हमारे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीटली सोल्व हो गया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीटली सोल्व हो गया है। अब हमें हमारा थर्ड पार्ट सोल्व करना है। थर्ड पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी इक्वेशन है, देखिए थर्ड पार्ट में दे रखा है बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इस इक्वेशन को हमें सोल्व आउट करना है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, पी जीरो के लिए एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ठीक है, और पी वन के लिए एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे। तो पार्ट नंबर थ्री इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, अगर पी जीरो की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, जीरो का क्यूब आंसर इज जीरो। अगर पी वन की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू वन पुट कर दीजिए, वन का क्यूब आंसर इज वन। अगर पी टू की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह टू पुट कर दीजिए, टू की वैल्यू थ्री, द आंसर इज एट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये हमें इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू निकालेंगे पी जीरो की। तो जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, दिस इज माइनस वन एंड दिस इज प्लस वन, द आंसर इज माइनस वन, इसका आंसर आएगा माइनस वन। अब पी वन की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो एक्स की जगह वन पुट करना है। ठीक है, एक्स की जगह वन आप पुट कर दीजिए, सो दिस विल बी जीरो मल्टीप्लाइड बाई टू, द आंसर इज जीरो। नाउ मूविंग ऑन टू पी टू, पी टू की वैल्यू जब हम निकालते हैं दैट इज टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, टू माइनस वन इज वन एंड टू प्लस वन इज थ्री, द आंसर इज थ्री। तो एक बार हमारी वैल्यू माइनस वन, जीरो और थ्री, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आई है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें वेरिफिकेशन करना है कि जो गिवन, जैसे मान लीजिए पार्ट वन बताता हूं मैं आपको, तो हमें बताना है कि जो ये पी एक्स है क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, इसका जीरो है। इसका जीरो का मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री गिवन इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो क्या आंसर जीरो आता है, यही मतलब होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल कौन सी होगी, वो वैल्यू जो एक्स में पुट किए जाने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। जैसे कि पार्ट नंबर वन हम करते हैं इसका, पी एक्स क्या है थ्री एक्स प्लस वन, हमें किस पे चेक करना है, माइनस वन बाई थ्री पे, तो पी माइनस वन बाई थ्री ऐसे लिख सकते हैं आप, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री पुट की है मैंने, तो थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन।
अब ये मल्टीप्लीकेशन में तो 3 कैंसल्स 3, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर आंसर 0 आता है तो हम क्या लिखेंगे, यस. अगर आंसर 0 आता है तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. और अगर नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे, दैट इट इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो फर्स्ट में हमारा आंसर ठीक आया है, तो यस इट इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्या है. नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज गिवन है, px की वैल्यू गिवन है 5x माइनस पाई और x की वैल्यू गिवन है 4/5. तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. px की वैल्यू देखिए कितनी है, 5x माइनस पाई, और हमें 4/5 पे चेक करनी है. तो p 4/5 विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई. ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लीकेशन में है. द आंसर इज 4 माइनस 5. तो वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं आई, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. तो आप आंसर क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. इस तरीके से आप लिखेंगे इसको. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं. हमारा पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 में हमें इक्वेशन गिवन है, px गिवन है. ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमें इक्वेशन गिवन है, px की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 1. और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, p एक बार तो 1 के लिए निकालनी है और फिर माइनस 1 के लिए भी निकालनी है. तो p 1 के लिए x की जगह माइनस 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो 0 आ गई, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, यस p 1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब अगली बार p माइनस 1 भी हमें चेक करना है, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, x की जगह माइनस 1 पुट किया हमने, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो दोनों जगह 0 वैल्यू आ रही है, तो बोथ आर द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 बोथ आर द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. ये हमें आंसर लिखना है. अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं. पार्ट नंबर 4 में हमें इक्वेशन क्या गिवन है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2. हमें चेक करना है माइनस 1 और 2 पे. तो पहले माइनस 1 चेक करते हैं, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3. द आंसर इज 0. आंसर 0 आया है हमारा, तो हाँ माइनस 1 एक 0 है गिवन पॉलिनोमियल की. अब हमें पी 2 पे चेक करना है, तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0. द आंसर इज 0. तो दोनों जगह आंसर 0 आया है, तो यहां भी हम क्या आंसर लिखेंगे, यस इट इज अ यस माइनस 1 एंड 2 आर 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो पार्ट 4 में भी दोनों जो है हमारी 0 आ रही हैं. अब हमारा पार्ट नंबर 5 है. पार्ट नंबर 5 में px की वैल्यू x स्क्वायर दे रखी है. पार्ट नंबर 5 में px की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो p 0 की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 0 का स्क्वायर, दैट इज 0. तो यस इट इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं. पार्ट नंबर 6 में क्या पॉलिनोमियल गिवन है, px इज इक्वल टू lx प्लस m. ये वैल्यू गिवन है हमें, lx प्लस m, ये वैल्यू गिवन है हमें. इस वैल्यू पे हमें चेक करना है कि 0 है या नहीं है. तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस m बाय l. तो पुट कीजिए l मल्टीप्लाइड बाय x की जगह माइनस m बाय l, माइनस m बाय l प्लस m. ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करते हैं हम आगे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, सोल्व आउट करते हैं. ये l और l आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, एक डिवीजन में एक मल्टीप्लीकेशन में, तो कट आउट हो जाएंगे. माइनस 5 प्लस माइनस m प्लस m, ये दोनों भी कटेंगे आपस में, द आंसर विल बी 0. तो माइनस m बाय l इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. माइनस m बाय l भी जो है इस पॉलिनोमियल का 0 आ रहा है. अब हमें करना है पार्ट नंबर 7. पार्ट नंबर 7 में देखिए हमें क्या दे रखा है. ठीक है, पार्ट नंबर 7 में px की जो वैल्यू है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1, और आपको चेक करना है माइनस 1 बाय रूट 3 पे. ठीक है, और एक बार 2 बाय रूट 3 पे. तो 3 इंटू माइनस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, 3 इंटू
माइनस वन का स्क्वायर होगा वन और रूट थ्री का स्क्वायर होगा थ्री माइनस वन. थ्री से थ्री कैंसल आउट होंगे, द आंसर विल बी वन माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो जो ये माइनस वन बाई रूट थ्री है ये इसका एक जीरो है. ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, इट इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. ठीक है, अब अगले इसी में हमें टू बाई रूट थ्री भी चेक करना है, टू बाई रूट थ्री भी चेक करना है. तो टू बाई रूट थ्री को भी चेक कर लेते हैं. थ्री एक्स स्क्वायर है तो थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन. तो ये कितना होगा, थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू का पावर फोर, रूट थ्री का पावर थ्री माइनस वन एज इट इज. थ्री से थ्री कैंसल आउट होगा, दिस विल बी इक्वल टू फोर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू थ्री. वैल्यू नोट जीरो के इक्वल नहीं आई है, तो टू बाई थ्री जो है वो जीरो नहीं है, माइनस वन बाई थ्री गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरो कहा जा सकता है. मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट नंबर एट, जिसमें हमें इक्वेशन गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू, पार्ट एट में क्या इक्वेशन गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, और हमें चेक करना है एट पी वन बाय टू. तो वैल्यू पुट कर दीजिए, टू इंटू वन बाय टू प्लस वन, टू से टू कैंसल आउट होंगे, दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस वन इज इक्वल टू टू. तो वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, वैल्यू नॉन जीरो है, तो दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो यहां आपका पार्ट थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, सम नंबर थ्री जो है वो कंप्लीट होता है. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ. हमें जीरो निकालना है इन केसेस में, सॉल्व करके इनको. तो जीरो निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे आपको ये पार्ट नंबर वन में करवाने वाला हूं आपको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव. तो सिंपल सा तरीका है, इसको पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, एक्स प्लस फाइव को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए जीरो निकालने के लिए, और फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए. सिंपल सा तरीका है. अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उस पॉलिनोमियल की को जीरो के इक्वल पुट करके और वेरिएबल की वैल्यू निकाल दीजिए. यहां पे वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस फाइव. तो माइनस फाइव इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू में है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव. तो आप क्या रखेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस फाइव इक्वल्स जीरो, फाइव को उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव. तो फाइव इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. पार्ट नंबर थ्री को देखते हैं, पार्ट नंबर थ्री में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव. तो पी एक्स को आप जीरो पुट कर दीजिए, तो टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू. तो जो ये थर्ड पार्ट है इसमें आपकी जीरो कितनी आई है, माइनस फाइव बाय टू. अब मूविंग ऑन टू पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर करवाता हूं मैं आपको. पी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है थ्री एक्स माइनस टू, तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, थ्री एक्स विल बी इक्वल टू जीरो प्लस टू यानी टू, एक्स इज इक्वल टू टू बाय थ्री. तो यहां पे वैल्यू आई है टू बाय थ्री. पार्ट नंबर फाइव है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, तो थ्री एक्स को आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो. तो ये जीरो की वैल्यू निकाल रहे हैं, पी एक्स अगर थ्री एक्स है तो उसकी जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, जीरो ही उसका जीरो होगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर सिक्स. नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर सिक्स. पार्ट नंबर सिक्स देखिए क्या है, पी एक्स की वैल्यू है ए एक्स. तो क्या करेंगे, ए एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई ए यानी जीरो. तो इसकी वैल्यू भी क्या आई है, जीरो ही इसका एक सॉल्यूशन है. अब सेवेंथ पार्ट कर लेते हैं हम. ठीक है, सेवेंथ पार्ट में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी. तो यहां पे क्या होगा, सी एक्स प्लस डी को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, दिस इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. तो सात पार्ट्स हैं इसके, पार्ट नंबर फोर के, क्वेश्चन नंबर फोर के सात पार्ट्स हैं, सातों के सात पार्ट्स मैं आपको करवा चुका हूं, और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स यहां खत्म होती है. अगर आपको वीडियो पसंद आया, एक्सरसाइज समझ में आई, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों. अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं वो सारी मेहनत फ्रूटफुल हो जाती है हमारे लिए, अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो. अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर दबाएं,
ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके डिवाइस तक आ जाए। और जाने से पहले बच्चों एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक करना, क्योंकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशंस और वीडियोस अवेलेबल हैं। तो जाने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।